आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के नेक्स्ट एंड अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, एंड दैट इज अ क्यू कॉन्सेप्ट। क्यू इज एन ऑर्डर लिस्ट इन विच एलिमेंट इज टू बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड फ्रॉम टू डिफरेंट एंड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन आई एम टेलिंग यू, देर आर मेनी प्लेसेस इन योर सिस्टम इन कंप्यूटर साइंस वेयर क्यू इज इंप्लीमेंटेड, और जिस एंड से हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं वो कहलाता है रेयर एंड, और जिस एंड से हम एलिमेंट डिलीट करते हैं वो कहलाता है फ्रंट एंड। क्यू इज अ फीफो लिस्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लैट डेटा स्ट्रक्चर के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के नेक्स्ट एंड अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, एंड दैट इज अ क्यू कॉन्सेप्ट। लास्ट टाइम हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझा, डेटा स्ट्रक्चर एप्लीकेशन की हमने बात की, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पे हम लोगों ने डिस्कशन किया, स्टैक इंप्लीमेंटेशन मैंने आपको बताया था, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक के कॉन्सेप्ट से हमने शुरुआत की थी, ओके, स्टैक की प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा। लेकिन अब हम बात करते हैं यहां पे डेटा स्ट्रक्चर के नेक्स्ट एंड अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज ए क्यू। जैसा कि हम डे वन से बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया है डेटा स्ट्रक्चर ने हमें डेटा को मेमोरी में अरेंज करने के मल्टीपल तरीके दिए हैं, दे आर द डिफरेंट वेज हाउ वी कैन स्टोर द डेटा इन अ मेमोरी, है ना। हम डेफिनेशन यही बोलते हैं, हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनदर डेटा, दैट इज व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा इन मेमोरी। तो वन बाय वन हम डेटा को मेमोरी में स्टक करने के या डेटा को मेमोरी में अरेंज करने के कॉन्सेप्ट को बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट में हमने स्टैक देखा, जो कि लीफो लिस्ट थी, लास्ट इन फर्स्ट आउट था स्टैक का इंप्लीमेंटेशन। लेकिन अब अगर हम क्यू की बात करें, रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन आई एम टेलिंग यू, देर आर मेनी प्लेसेस इन योर सिस्टम इन कंप्यूटर साइंस वेयर क्यू इज इंप्लीमेंटेड, मतलब जहां ऑलरेडी क्यू इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल लूंगा एप्लीकेशंस की, जब क्यू की बात करूंगा तो वहां पर हम बात करेंगे कि कहां कहां पर क्यू ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। इसीलिए थोड़ा सा फोकस्ड होकर समझिए, ध्यान से समझिए, टॉपिक बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। शुरुआत करते हैं क्यू की डेफिनेशन के साथ। तो यदि हम क्यू को सिंपल डिफाइन करें, तो जैसे हमने स्टैक को डिफाइन किया था, सिमिलरली क्यू इज एन ऑर्डर लिस्ट इन विच एलिमेंट इज टू बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड फ्रॉम टू डिफरेंट एंड। हमने स्टैक में क्या बोला था कि एलिमेंट पुश और पॉप एक ही एंड से होगा, लेकिन क्यू में हम ये बोलते हैं कि देर आर टू डिफरेंट एंड, एक एंड जहां से एलिमेंट इंसर्ट होगा और सेकेंड एंड जहां से एलिमेंट डिलीट होगा। ठीक है, और जिस एंड से हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं वो कहलाता है रेयर एंड, और जिस एंड से हम एलिमेंट डिलीट करते हैं वो कहलाता है फ्रंट एंड। मतलब क्यू मेंटेन टू एंड्स, रेयर एंड फ्रंट। जिस एंड से हम एलिमेंट एंटर करेंगे, इंसर्ट करेंगे, वो रेयर एंड कहलाएगा, अभी हम डायग्राम में देखते हैं, और जिस एंड से एलिमेंट हम डिलीट करेंगे वो फ्रंट एंड कहलाएगा। एंड अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बात ही हमारी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की हो रही है। हमने पढ़ा था कि डेटा स्ट्रक्चर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में अभी हमने स्टैक के कॉन्सेप्ट को देखा, और उसी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में हम सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज अ क्यू। तो आई होप डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी कि कलेक्शन ये भी है, डेटा कलेक्शन ये भी करेगा, लेकिन फॉर्मेट अलग है, तरीका अलग है। जहां पर आपको कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, क्यू इज अ फीफो लिस्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक को हमने बोला था लीफो लिस्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू को हम बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो एलिमेंट सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो जहां भी हमें इस तरीके के इंप्लीमेंटेशन के साथ डेटा को कलेक्ट करना है कि बस बैकग्राउंड में मुझे फीफो को रूल को फॉलो करना है, देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन जो भी हम डिस्कस करते हैं यहां पे। ठीक है, तो जहां भी हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के रूल को इंप्लीमेंट करना है वहां पर हम डेटा स्ट्रक्चर के क्यू कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। और यदि हम क्यू को डायग्रामेटिकली समझें, तो आप देखिए कुछ नहीं किया है, ये हमारा स्टैक था, स्टैक को मैंने ट्विस्ट कर दिया और इसके दोनों एंड ओपन कर दिए, सी दिस वन। स्टैक को हम ऐसे बनाते हैं, क्यू को हम इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, अगर डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो। ठीक, तो यदि हम क्यू को डिफाइन कर रहे हैं तो हमने क्या बोला, जिस एंड से हम एलिमेंट एंटर कर रहे हैं वो रेयर एंड कहलाएगा, और जिस एंड से एलिमेंट में डिलीट या रिमूव करूंगा वो फ्रंट एंड कहलाएगा। एंड इट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले जो आएगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट गिवन बाय डेटा स्ट्रक्चर रिगार्डिंग क्यू, कि यदि आप क्यू को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो अब क्वेश्चन ये है
कि क्यों, अच्छा ऑपरेशन हम क्यू में कितने परफॉर्म करेंगे, जैसे स्टैक में हमने 3 ऑपरेशन परफॉर्म करे थे, पुश पॉप और डिस्प्ले, यहां भी 3 सेम ऑपरेशन होंगे, लेकिन यहां पर हम बोलेंगे इंसर्ट डिलीट एंड डिस्प्ले, कि जब भी हम इस क्यू में एलिमेंट एंटर करेंगे तो दैट इज कॉल्ड इंसर्ट ऑपरेशन। ठीक है, कि यदि हमसे पूछा जाए ऑपरेशंस ऑन क्यू, कि हम क्यू पे कितने मेनली ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो क्यू पे जो ऑपरेशंस होंगे उसमें सबसे पहला ऑपरेशन होगा हमारा इंसर्ट। यहां भी अभी हम स्टैक जैसी मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन की बात करेंगे, लेकिन फेज 2 में सेकेंड ऑपरेशन होगा हमारा डिलीट, ठीक है, और थर्ड ऑपरेशन होगा हमारा डिस्प्ले। तो यदि मान लो मुझे स्टैक में एलिमेंट, सॉरी क्यू में अगर मैं एलिमेंट एंटर कर रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड इंसर्ट ऑपरेशन, यदि क्यू से एलिमेंट हम रिमूव करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिलीट ऑपरेशन, और यदि मैं क्यू के एलिमेंट व्यू करता हूं तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्ले ऑपरेशन। वेरी सिंपल। और हमने क्या बोला है, ये किस तरीके की लिस्ट है, इट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब बात ये हो रही है कि सर यदि क्यू के इंप्लीमेंटेशन को देखा जाए तो कहां क्यू का इंप्लीमेंटेशन हमें मिलेगा। तो अब देखिए नॉर्मल रियल टाइम एप्लीकेशन की बात करें तो क्यू का हिंदी में मतलब लाइन ही होता है, और यदि आप कहीं भी क्यू देखेंगे, लाइन देखेंगे, तो जो सबसे पहले आगे है वही सबसे पहले बाहर जाएगा, क्योंकि ये क्यू का कॉन्सेप्ट है, पहले आओ पहले पाओ, राइट। तो ये वही क्यू है, और इसी क्यू को कंप्यूटर साइंस ने मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन में यूज किया गया है। जैसे यदि हम क्यू के एप्लीकेशन की टेक्निकली बात करें, रियल टाइम एप्लीकेशन तो खैर बहुत सारी है, कि क्यू स्टैंडिंग ऑन अ फ्रंट ऑफ टिकट, सिनेमा टिकट, देयर आर लॉट ऑफ, जहां क्यू है वहां क्यू का कॉन्सेप्ट है, राइट। लेकिन यदि हम इसी को प्रैक्टिकली सोचें, कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि यदि इंटरव्यू में क्यू की एप्लीकेशन पूछी जाए सो प्लीज 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 मेंशन टेक्निकल एग्जांपल्स, वहां पर आप क्यू लाइन सिनेमा को मेंशन ना करें। बीइंग अ टेक्निकल स्टूडेंट्स, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप टेक्निकल आंसर दें कि कहां आपको कंप्यूटर साइंस फील्ड में क्यू का इंप्लीमेंटेशन मिलता है। सो दिस देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस, सबसे मेनली हमें क्यू इंप्लीमेंटेशन मिलता है खुद ऑपरेटिंग सिस्टम में, डिस्क शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है, दे इंप्लीमेंटेड क्यू कॉन्सेप्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो रिक्वेस्ट सबसे पहले आएगी उसी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपका डिस्क शेड्यूलिंग होगा, सीपीयू शेड्यूलिंग होगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली फॉर एन ऑपरेशन दे इंप्लीमेंटेड क्यू कॉन्सेप्ट, है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, कि कोई भी इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे विच इज बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, कि जहां पर एक सर्वर है, ठीक है, एंड दैट सर्वर मेंटेन सम एप्लीकेशन, तो आपको पता है सर्वर हमेशा सबसे पहले, सर्वर से कनेक्टेड है मल्टीपल क्लाइंट, राइट, दिस इज द क्लाइंट वन, क्योंकि कोई भी वेब एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, किसी भी इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं, सो दैट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो देखिए अगर ये मल्टीपल क्लाइंट है तो जिस क्लाइंट की रिक्वेस्ट सबसे पहले आएगी उसी क्लाइंट को सबसे पहले रिस्पॉन्स मिलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ क्यू इंप्लीमेंटेशन, कि जहां पर डेटा स्ट्रक्चर के क्यू को इंप्लीमेंट किया गया है इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए। द बेस्ट एग्जांपल योर मोबाइल एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन डिवाइस, कि आपके मोबाइल में जो मैसेजिंग सर्विस होती है, जो कॉलिंग सर्विस होती है, दे मेंटेन क्यू कॉन्सेप्ट। अब देखिए अगर आपके मोबाइल में इनकमिंग कॉल कि कोई लिमिटेशन है, कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज एक मोबाइल के इनकमिंग कॉल की लिमिट है 20। अब मानो सपोज मैंने एक मोबाइल परचेस किया, ठीक है, आई परचेस्ड अ न्यू मोबाइल, मैंने एक मोबाइल परचेस किया, अब इस मोबाइल में पहला कॉल आया सपोज एक्स का, ठीक है, मान लो राजेश का कॉल आया, ठीक है, तो राजेश का कॉल मुझे दिखेगा, सेकेंड आया दीपेश का, थर्ड आया अमित का, फोर्थ आया सोनू का, राइट। तो जैसे जैसे कॉल की लिमिट बढ़ती जा रही है, जब लास्ट कॉल आएगा 20th कॉल, तो मेरा इनकमिंग कॉल की कैपेसिटी फुल हो गई। अब जब 21 आएगा तो ऑटोमेटिकली जो पहला कॉल था राजेश का वो क्यू से बाहर हो जाएगा। तो हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू हैज बीन इंप्लीमेंटेड, कि जब मोबाइल में कॉलिंग एप्लीकेशन को डेवलप किया गया था तो बॉस क्यू के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया गया था। मैसेजिंग सर्विस क्यू इंप्लीमेंटेशन के साथ काम करती है। प्रिंटर, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, कि अगर आप ट्रैफिक मैनेजमेंट एप्लीकेशन को डिजाइन कर रहे हैं सो यू हैव टू फॉलो द क्यू कॉन्सेप्ट। ये पता है आपको ट्रैफिक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को यूज करता है, हालांकि वहां पे प्रायोरिटी क्यू का भी कॉन्सेप्ट हम बोल सकते हैं क्योंकि प्रायोरिटीज होती हैं। कि अगर ट्रैफिक में मान लो किसी वैन को किसी एम्बुलेंस को सबसे पहले आगे निकालना है तो जो है उनसे एक ग्रेटर प्रायोरिटी पे आपकी एम्बुलेंस होगी, वो फिर हम प्रायोरिटी क्यू के टाइम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट यस, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू इज इन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। प्रिंटर,
प्रिंटर एप्लीकेशन, क्या प्रिंटर यूज करते हैं सिस्टम में, दे फॉलो द क्यू कॉन्सेप्ट। आप जिस पेज के सबसे पहले प्रिंट देंगे वही पेज सबसे पहले प्रिंट आउट देगा। मान लो आपने 10 पेज की रिक्वेस्ट दी है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से आपके प्रिंट रिजल्ट देंगे आपको, राइट। सो दिस इज व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ क्यू, जहां पर क्यू इंप्लीमेंटेड है। तो क्यू क्या है, समझ में आया आपको कि बॉस डेटा स्ट्रक्चर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के रूल को फॉलो करता है, जो मेनली 3 ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इंसर्ट, डिलीट एंड डिस्प्ले, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ क्यू क्या है, दिस आर द एप्लीकेशन। और क्यू में जब हम इंसर्ट या डिलीट की बात करते हैं तो जिस एंड से एलिमेंट इंसर्ट होता है वो रेयर एंड कहलाता है, और जिस एंड से एलिमेंट डिलीट होता है वो फ्रंट एंड कहलाता है। दिस आर द सिंपल डेफिनेशन कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू फॉर योर एग्जाम, फॉर योर इंटरव्यू, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि सर कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन अब इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, कैसे हम क्यू को लेके प्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे हम इस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली है कि क्यू इज एन ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। शुरुआत से अगर चलें तो क्यू इज एन ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। रेयर फ्रंट की हमने बात की, क्यू के कॉन्सेप्ट की हमने बात की, ओके, क्यू की एप्लीकेशन की हमने बात की, ये बात की कि मेजर 3 ऑपरेशन हम क्यू में परफॉर्म करने वाले हैं, ओके। लेकिन सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए सर, अब बात है इसके इंप्लीमेंटेशन की, कि अब मुझे क्यू को इंप्लीमेंट करना है। तो यदि मुझे क्यू को इंप्लीमेंट करना है यूजिंग सी लैंग्वेज, तो यहां पर भी हमारे पास 2 चॉइस होंगी, कि या तो हम क्यू का इंप्लीमेंटेशन देखेंगे यूजिंग अरे, ठीक है, या तो हम क्यू को इंप्लीमेंट करेंगे क्यू यूजिंग अरे। और यदि मैं क्यू को अरे को लेकर इंप्लीमेंट कर रहा हूं, इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूं स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर की, क्योंकि अरे होगा तो लिमिटेशन भी होगी, अरे होगा तो ओवरफ्लो भी होगा, राइट। तो क्यू यूजिंग अरे इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। और सेकेंड फेज में हम बात करेंगे सेम क्यू यूजिंग लिंक्ड लिस्ट, कि मैं उसी क्यू को अगर फिर से इंप्लीमेंट करता हूं लेकिन मेरा बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे ना होके लिंक्ड लिस्ट होगा। क्योंकि डे 1 से मैं आपको एक ही बात कर रहा हूं, एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेड इन 2 वेज। हम डेटा स्ट्रक्चर के हर कॉन्सेप्ट को 2 तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, या तो हमारा बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे होगा या हमारा बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर लिंक्ड लिस्ट होगा। अगर अरे है तो वो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, और अगर लिंक्ड लिस्ट है तो वो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। सेम कॉन्सेप्ट हमने स्टैक को लेके देखा, स्टैक यूजिंग अरे, स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। तो यहां भी हम इसी कॉन्सेप्ट के साथ क्यू को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट फेज में। पहले फेज में आपको क्यू समझ में आया होगा, क्यू की एप्लीकेशन समझ में आई होगी, क्यू का कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, कि क्यू क्या है और वाई वी शुड इंप्लीमेंट क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग अरे देन यूजिंग लिंक लिस्ट, और इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन के साथ इसको समझेंगे, और फिर इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को भी हम देखेंगे। तो बने रहिए, समझते रहिए और तैयार रहिए, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आगे आने वाले हैं, और डेटा स्ट्रक्चर के किसी भी कॉन्सेप्ट को लाइटली नहीं लेना है। ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टॉपिक, ठीक है। तो बने रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।